भाइयों और बहनों, आज दुनिया में जो भारत की गूंज सुनाई दे रही है, देश इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को वोट दे रहा है। आतंक के खिलाफ जो सीधी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके लिए देश कमल के निशान पर बटन दबा रहा है, मोदी को वोट दे रहा है। भारत को दहलाने वाले आज डर डर कर जीने को मजबूर है। वो डर रहे हैं इसलिए देश की हिम्मत बढ़ रही है और इसलिए देश मोदी को वोट दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुसकर मारने की ये रीति नीति आपको पसंद है? ये घर में घुसकर मारना आपको पसंद है? इस रीति नीति के लिए ही देश कमल खिला रहा है। राम का नाम लेने वालों को, जेल में डालने वालों को सबक मिले, लोकतांत्रिक तरीके से सजा मिले, इसलिए पश्चिम बंगाल हो या हिंदुस्तान का कोई भी किनारा हो, इसलिए देश कमल के निशान पे वोट दे रहा है। देश मजबूत, निर्णायक और ईमानदार सरकार के लिए वोट दे रहा है। देश वोट दे रहा है इसलिए फिर एक बार 23 मई को नतीजे आएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार तय है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज सुबह में जब खबरें आती हैं, रिपोर्ट आते हैं, तो पता चला कि कश्मीर में कुछ आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया। अब कुछ लोगों की यह परेशानी है कि आज जब मतदान चल रहा है तब मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मारा? वो बम बंदूक लेके सामने खड़ा है, क्या वहां मेरा जवान इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेने जाए क्या कि मैं इसको गोली मारूं कि ना मारूं? क्या खेल बना के रखा है हमारे विरोधियों ने? अच्छा, कश्मीर में जब से हम आए हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन सफाई होती रहती है। ये सफाई अभियान मेरा काम है भाई। कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के मेरे साथियों, अब समय आ गया है जब आपको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत को और भव्य और दिव्य बनाना है। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम लोगों को बचपन से सिखाया है, इसलिए आपका हर वोट मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए एक वोट भी
जरा भी कम नहीं है। मेरे लिए हर वोट पवित्र है, हर वोट अमूल्य है।